गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर स्टडी कर रहे थे और आज के इस वीडियो में हम पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर को शो करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट की स्टडी करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ह्यूमन बॉडी किस तरह से इफेक्टिव होती है। तो आइए पहले हम एक्सपेरिमेंट की स्टडी करते हैं। एक्सपेरिमेंट का नाम है मैग्डेबर्ग हेमिस्फेयर एक्सपेरिमेंट। तो आइए देखते हैं मैग्डेबर्ग हेमिस्फेयर एक्सपेरिमेंट टू शो लार्ज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक बड़ा एटमॉस्फेरिक प्रेशर शो करने के लिए मैग्डेबर्ग हेमिस्फेयर एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट में क्या है, देखिए इसके अंदर दो हेमिस्फेयर लिए जाते हैं जिनको अर्धगोलक कहते हैं। आधे आधे गोले हैं ये और ये अंदर से होलो है, बिल्कुल खोखले हैं। अब इन खोखले गोलों को हमने टाइटली अटैच कर दिया, दोनों को चिपका दिया। तो अब इनके अंदर एयर फिल है ऑलरेडी। जब हम इनको अलग अलग करेंगे तो ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये ऐसे हेमिस्फीयर हैं जिनमें वैक्यूम ट्यूब है, यानी कि इनको वैक्यूम पंप से कनेक्ट किया जा सकता है और एयर को रिमूव किया जा सकता है। तो दोनों को अटैच करके, मान लिया हमने इसकी एयर को रिमूव कर दी यहाँ से वैक्यूम पंप की हेल्प से, एयर यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर। अब इसमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने पर भी ये दोनों सेपरेट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हमने इनको अटैच कर दिया और एयर को रिमूव कर दिया, यानी कि हमने इसके अंदर वैक्यूम फिल कर दी है। और वैक्यूम फिल करने पर अंदर की ओर ये एक दोनों हेमिस्फीयर यानी कि आपस में जुड़ गए, तो इनके अंदर जो होलो पार्ट है उसके अंदर जो एयर प्रेशर है वो ज़ीरो हो गया और बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो इस कारण से, इतने डिफरेंस के कारण से ये दोनों हेमिस्फीयर से अलग अलग नहीं हो पाएंगे। तो आइए स्टडी करते हैं इसकी। द एपरेटस कंसिस्ट ऑफ टू होलो कॉपर हेमिस्फीयर ए एंड बी ऑफ 51 सेंटीमीटर डायमीटर ईच। यानी कि इस जो मैग्डेबर्ग हेमिस्फीयर एक्सपेरिमेंट है, इसमें क्या है कि दो 51 सेंटीमीटर की कॉपर के खोखले हेमिस्फीयर्स लिए। ईच हेमिस्फीयर हैज़ ए हुक अटैच टू इट। दोनों के पास में हुक लगे हुए हैं। हम डायग्राम में यहाँ पर देख सकते हैं हुक किस तरह से लगे हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर ये हुक है और ये यहाँ पर ये हुक लगे हुए हैं। आगे देखिए, वन ऑफ द हेमिस्फीयर हैज़ आल्सो ए साइड ट्यूब विच कैन बी कनेक्टेड टू ए वैक्यूम पंप। तो साइड ट्यूब हमने डायग्राम के अंदर दिखाई थी, यहाँ पर देखिए ये साइड ट्यूब लगी हुई है, दोनों के अंदर लगी हुई है साइड ट्यूब। तो इस साइड ट्यूब की हेल्प से यहाँ से इससे वैक्यूम पंप से कनेक्ट किया जाता है और वैक्यूम पंप पे की हेल्प से यहाँ पर यहाँ से एयर को रिमूव किया जा सकता है। आगे देखिए, द टू हेमिस्फीयर आर टाइट फिटेड एंड बिकम एयर टाइट व्हेन जॉइंट टुगेदर। तो ये ऐसे हेमिस्फीयर हैं जिनको अगर जोड़ा जाए तो ये टाइटली पैक्ड हो जाए, एकदम पैक हो जाए। व्हेन एयर इज प्रेजेंट इनसाइड, जब इनके अंदर प्रेजेंट एयर प्रेजेंट हो, द जॉइंट हेमिस्फीयर दे कैन बी इजीली सेपरेटेड बाय पुलिंग विद ए स्मॉल फोर्स। तो जब हम इनके ऊपर पुल करेंगे, दोनों के ऊपर अपोजिट फोर्स लगाएंगे, तो कम फोर्स में ही ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। दिस इज, ऐसा क्यों हुआ, देखिए दिस इज बिकॉज द एयर प्रेजेंट इनसाइड द जॉइंट हेमिस्फीयर आल्सो एक्सर्ट इट प्रेशर। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर देखिए अंदर की ओर एयर है, वो भी अपना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, अपना प्रेशर लगा रही है, जिसके कारण वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं कम फोर्स के साथ में ही। लेकिन दूसरी कंडीशन यह है कि हमने उसमें से एयर को एयर पंप की वैक्यूम पंप की हेल्प से रिमूव कर दिया जाता है, तो उस कंडीशन में ये दोनों सेपरेट नहीं हो पाते हैं। तो दूसरी कंडीशन देखते हैं, यहाँ पर देखिए, इन ऑर्डर टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट द टू हेमिस्फीयर्स आर जॉइंड टुगेदर एंड एयर रिमूव्ड कंप्लीटली फ्रॉम द स्पेस बिटवीन
देम बाई यूजिंग ए वैक्यूम पंप। ये निर्वात पंप होता है जो कि एयर को रिमूव करने के काम में आता है। तो ये कह रहा है कि अगले एक्सपेरिमेंट में दोनों को जोड़ देते हैं, हेमिस्फीयर्स को एक साथ जोड़ दिया जाता है और यहाँ इसके अंदर जो एयर फील्ड है उस एयर को वैक्यूम पंप की हेल्प से रिमूव कर देते हैं। व्हेन ऑल द एयर इज रिमूव्ड फ्रॉम इनसाइड द हेमिस्फीयर, जब पूरी एयर को रिमूव कर दिया जाता है, देन द टू हेमिस्फीयर कैन नॉट बी सेपरेटेड, तो उस कंडीशन में दोनों जो हेमिस्फीयर है, दोनों अर्धगोलक हैं, वो अलग अलग नहीं होंगे इवन बाई पुलिंग विथ ए लार्ज फोर्स, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने पर भी ये दोनों अलग अलग नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि अंदर की ओर से हमने एयर को रिमूव कर दिया तो वहाँ पर वैक्यूम है, जब एयर वहाँ पर नहीं है तो इसका मतलब प्रेशर एक्सर्ट नहीं हो रहा है, एयर का प्रेशर नहीं लग रहा है, तो उस कंडीशन में वो दोनों अलग अलग नहीं होंगे। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट सिंस देयर इज नो एयर इनसाइड द अनओपोज्ड एटमोस्फेरिक प्रेशर एक्टिंग ओवर द वॉल सरफेस ऑफ हेमिस्फेयर फ्रॉम आउटसाइड प्रेशर, देन वेरी वेरी हार्ड एंड डज नॉट अलाउ देम टू बी सेपरेट। देखिए कह रहा है कि अंदर की ओर जो प्रेशर है वो तो जीरो है, जबकि बाहर की ओर जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा लगता है, तो प्रेशर है उसकी सरफेस को बहुत ज़्यादा बना हार्ड बना रहा है, तो उस कारण से ये दोनों सेपरेट नहीं हो सकते। यहाँ पर हम डायग्राम एक बार फिर से देख सकते हैं, दो हेमिस्फीयर्स हैं, यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब इनसे कनेक्टेड है और वैक्यूम ट्यूब वैक्यूम पंप से कनेक्ट करके एयर को रिमूव किया जा एयर को रिमूव किया जा सकता है यहाँ से। यहाँ पर इस डायग्राम को देखिए, इसके अंदर ये हेमिस्फीयर से है और इसके अंदर से हमने वैक्यूम पंप, यहाँ पर वैक्यूम पंप अटैच है और वैक्यूम पंप की हेल्प से हमने एयर को यहाँ से रिमूव कर दिया। अब देखिए दोनों ओर से हॉर्सेस फोर्स लगा रहे हैं और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये हेमिस्फीयर अलग अलग नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए एटमोस्फेरिक प्रेशर प्रेशेज द मैग्नेबर्क हेमिस्फीयर एंड होल्ड्स देम टुगेदर, तो एटमोस्फेरिक प्रेशर इन दोनों को बिल्कुल अटैच करके रख रहा है। नो एयर इनसाइड वैक्यूम है, यहाँ पर एयर बिल्कुल भी नहीं है। और ये जो एक्सपेरिमेंट है ये किसने किया है? देखिए दिस एक्सपेरिमेंट वॉज कंडक्टेड बाई ए जर्मन साइंटिस्ट कॉल्ड ओटो वोन ग्रुके इन द टाउन ऑफ मैग्डेबर्ग। तो मैग्डेबर्ग टाउन के अंदर इस एक्सपेरिमेंट को किया गया था और इसी सिटी के नाम पर इसका नाम मैग्डेबर्ग एक्सपेरिमेंट रखा गया है। और ये कब किया गया था? ये किया गया था 1640 में, 1640 के अंदर इस एक्सपेरिमेंट को किया गया था। अब नेक्स्ट जो पार्ट आता है ओवर बॉडी एंड एटमोस्फेरिक प्रेशर, यानी कि एटमोस्फेरिक प्रेशर का हमारी बॉडी के ऊपर किस तरह से इफेक्ट होता है। ओवर बॉडी एंड एटमोस्फेरिक प्रेशर, ओवर बॉडी हैज ए लिक्विड कॉल्ड ब्लड प्रेशर फ्लो थ्रू ब्लड वेसल्स इनटू ईच एंड एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी। देखिए एटमोस्फेरिक प्रेशर है वो एयर प्रेशर है और हमारे ब्लड में भी हार्ट के द्वारा प्रेशर लगाया जाता है और उसी प्रेशर के कारण हमारी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो होता है। तो दोनों के अंदर एटमोस्फेरिक प्रेशर और हमारी बॉडी में जो ब्लड प्रेशर है दोनों के अंदर कोऑर्डिनेशन होता है। तो आवर ब्लड इटसेल्फ एक्सर्ट ए प्रेशर, अपने आप में एक बल लगाता है, दाब लगाता है, प्रेशर लगाता है, कॉल्ड ब्लड प्रेशर विच इज स्लाइटली ग्रेटर देन द एटमोस्फेरिक प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर है वो की अगर वैल्यू देखें हम तो ये MMHg में एटमोस्फेरिक प्रेशर से कहीं ज़्यादा होता है। सिंस द एटमोस्फेरिक प्रेशर एक्टिंग ऑन आवर बॉडी, तो इसलिए जो एटमोस्फेरिक प्रेशर है वो हमारी बॉडी के ऊपर काम करता है फ्रॉम आउटसाइड इन ए बैलेंस्ड बाय द ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को बैलेंस करने के लिए जो एटमोस्फेरिक प्रेशर है वो हमारी बॉडी के ऊपर एक्ट करता है। एक्टिंग फ्रॉम इनसाइड वी डू नॉट गेट क्रस्ट,
तो जिससे हम कुचले नहीं जा सके या दबे नहीं। तो हमारी बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का हमारी बॉडी के ऊपर फंक्शन होता है, और जिसके कारण मतलब हमारे अंदर दबाव बहुत ज़्यादा नहीं बना हुआ रहता। एक्चुअली द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज शो फाइनली बैलेंस्ड बाय ओवर ब्लड प्रेशर दैट वी डू नॉट फील एनी डिसकम्फर्ट। तो ब्लड प्रेशर के कारण एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे अंदर बना हुआ रहता है, जिसके कारण हमें अनकम्फर्ट महसूस नहीं होता है। वी इवन डू नॉट फील द एक्सिस्टेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट ऑल। वी इवन डू नॉट फील एक्सिस्टेंस, यानी कि इसका जो अस्तित्व है वो हर जगह फील नहीं कर सकते हैं सब जगह, क्योंकि जहाँ प्रेशर बना हुआ रहता है, जैसे मान लिया हम अर्थ के सरफेस के ऊपर है, तो यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है, तो हमें ये ज़्यादा फील नहीं होता है। लेकिन हम बहुत ज़्यादा ऊंचाई की ओर चले जाएं, तो ऊंचाई के ऊपर हम जानते हैं भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो सी लेवल है उससे ऊपर जाने के ऊपर घटता जाता है, तो वहाँ पर हमें ये चीज़ फील होती है। द इफेक्ट ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन आवर बॉडी। देखिए क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मैक्सिमम ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। हम जानते हैं इस चीज को भाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर सरफेस के ऊपर मैक्सिमम होता है। व्हेन वी गो टू हाई एल्टीट्यूड, यानी कि जो ज़्यादा ऊंचाई वाली जगह है, हाई माउंटेन जैसे, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस। तो कैसे क्या होगा, घटता जाता है। जैसे जैसे हम सी लेवल से ऊंचाई की ओर चलते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू घटती जाती है। सो एट हाई एल्टीट्यूड्स, यानी कि बहुत ज़्यादा ऊंचाई वाली जगहों में, एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकम मच लेस देन आवर ब्लड प्रेशर। तो हमारे ब्लड प्रेशर से अगर सरफेस पर देखें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम तो है, लेकिन थोड़ा कम है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊंचाई को चले जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे ब्लड प्रेशर के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। सिंस आवर ब्लड इज नॉट ए हायर प्रेशर, हमारा जो ब्लड है, सिंस आवर ब्लड इज एट ए हायर प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है वहाँ पर कंपैरिजन में, देन आउटसाइड प्रेशर, देयरफॉर सम ऑफ द ब्लड वेसल्स इन आवर बॉडी ब्रस्ट। तो हमारी जो ब्लड वेसल्स है वो फट जाती है, एंड नोज ब्लीडिंग टेक प्लेस एट हाई एल्टीट्यूड्स। तो ज़्यादा ऊंचाई वाली जगहों के ऊपर कुल मिलाकर के जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है या प्रेशर है, उस प्रेशर की वैल्यू के अंदर काफ़ी चेंजेज आ जाते हैं और काफ़ी डिफरेंस हो जाता है। तो डिफरेंस के कारण जो ब्लड वेसल्स है वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है, तो उस कारण से वो फट जाती है। लेकिन सरफेस के ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो और ब्लड प्रेशर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, तो इसलिए जो ब्लड है वो इजीली फ्लो होता है। तो बेटा आज के इस वीडियो में हमने दो चीज़ें पढ़ी है, एक तो एक्सपेरिमेंट पढ़ा है, और जिसको हमने